नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर की राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने पुलिस पर फायर कर जानलेवा हमले की वारदात का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। मामले में दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आजीवन कारावास की सजा में पैरोल से फरार हुआ था। परसों रात राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें बेसिकली क्या हुआ था कि गश्त के दौरान हमारे दो कांस्टेबल, जिनका नाम रूप सिंह और जालाराम है, उन्होंने एक गाड़ी एटीओस गाड़ी खड़ी देखी और उसको संदिग्ध अवस्था में पाया। तो वहां जाके जब चेक किया तो उसमें जो एक आदमी था, जो दो लोग थे जिसमें से एक आदमी ने फायर किया हमारे दो जवानों के ऊपर, वहां से भाग गए अंधेरे का फायदा उठाकर। अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया ने रामसिंहपुर थाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान थानाधिकारी को समय पर मामलों के निस्तारण करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। व्यापार मंडल सिकराय ने राजस्थान बीज एसोसिएशन के मैनेजर बाबूलाल शर्मा को माला और साफा पहनाकर विदाई दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों और व्यापार मंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए खेती में उत्पाद बढ़ाने और बीज के रखरखाव की जानकारी दी। अलवर के नेहरू पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस मौके में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद करवाया, उसी तरह से हमें यह सोचना होगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आजाद चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस मौके पर कि हम सब जिला वासियों को, शहर के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के अंदर की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्र करा, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने आप के अंदर चंद्रशेखर आजाद को ढूंढना पड़ेगा। आज समाज के अंदर और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं। भरतपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर रैली का आयोजन किया गया और साइकिल रैली को जिला और शीर्ष न्यायाधीश संजीव मागो और जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी जिला अस्पताल में चिकित्सा विभाग और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। एडीएम खान ने नवजात शिशु को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सीएसए प्रभारी ने बताया कि पल्स पोलियो महाअभियान को सफल बनाने के लिए 64 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ, जिसमें जन्म से 5 वर्ष तक के 2 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में निश्चय इमुनाइजेशन डे के तहत 2,18,000 का टारगेट मिला है। जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए हमने 1746 टीमें बनाई हैं, जिसमें से 29 टीमें मोबाइल टीम हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो कच्ची बस्ती है या जो मोबाइल ग्रुप है उनके लिए बनाई है। और ये 3 दिन का अभियान है, जिसमें जो आज जो बूथ पे दवा पिलाई जाएगी और अगले 2 दिन 28 और 1 मार्च को घर घर जाकर के दवा पिलाई जाएगी। और हमारा कोशिश ये है कि जो आज जो फिक्स्ड सेशन साइट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो, लगभग 80 या 90% तक, ताकि आगे इसको हम 100% पहुँचा सकें। सर, केशवराय पाटन के इंद्रपुरिया में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पंचायत समिति सदस्य ने गांव में बच्चों को पोलियो की पहली खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। राजस्थान पेंशनर्स समाज के जिला अध्यक्ष के लिए तहसील स्तर पर मतदान संपन्न हो गए। पेंशनर समाज उपशाखा डी के अध्यक्ष गंगा शरण शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान कुल 1300 पेंशनर्स में से 254 पेंशनर्स ने मतदान किया। पेंशनर समाज जिला शाखा भरतपुर के जिला अध्यक्ष का चुनाव तहसील स्तर पर, उपशाखा स्तर पर संपन्न हो रहा है। उसी के तहत उपशाखा डी में ही आज मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक इसका समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद में बेटियां भरतपुर पहुंचेंगी और वहां मतगणना होगी। मतगणना के बाद हो सकता है रात्रि तक इसका रिजल्ट आ जाए।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।